नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज बात करेंगे चार फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और दोस्तों रजाकर, और इसके अलावा दोस्तों एक फिल्म और है जिसका नाम है दोस्तों रुस्लान। तो कैसा रहा इनका कलेक्शन देख लीजिए। मैदान 16 दिन का कलेक्शन करीब करीब आया दोस्तों 70 लाख रुपये का, जो ठीक ठाक है। कुल मिलाकर की फिल्म करीब 39 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में नेट कलेक्शन कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो चुकी है, क्योंकि बजट 150 करोड़ है। आज फिल्म करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास, 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 50 लाख की रेंज में कलेक्शन कर सकती है। जहां तक बात करें बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, एक और डिजास्टर, एक और बड़ी फ्लॉप फिल्म कल कलेक्शन आया मात्र 38 लाख रुपए का। तो 38 लाख का कलेक्शन कल आया है और टोटल हो जाता है इसका करीब 59 करोड़ का कलेक्शन, और यह भी एक बहुत बड़ी डिजास्टर। 350 करोड़ फिल्म का बजट है, 70 करोड़ मैक्सिमम लाइफ टाइम जाएगी, मैदान 50 करोड़ मैक्सिमम जा सकती है। आज फिल्म बड़ी मियाँ छोटी मियाँ करीब करीब 60 से 70 लाख रुपए का कलेक्शन कर सकती है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादा होगा तो 80 लाख 90 लाख मैक्सिमम ही कलेक्शन आ जा सकता है। तो दोनों ही फिल्में डिजास्टर हो चुकी है। अब क्यों इसके बारे में आपको वीडियो बना जानकारी दे सकता हूँ, दिए 2-3 बार आपको जानकारी, और भी दे दूंगा आपको अगर आप चाहेंगे तो, कोई रीजन एक और दे सकता हूँ, मतलब कि किस तरह से दोनों फिल्में पीटी है। वैसे आप भी सिने लवर है, आपको भी ज़्यादा नॉलेज है सब चीज़ों का, पता है आपको क्यों फिल्में चलती है क्यों नहीं चलती है। दोस्तों जहाँ तक बात करें कल रिलीज फिल्म रुस्लान की, तो रुस्लान भी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया है और करीब केवल 60 लाख रुपए का कलेक्शन पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया, मात्र 60 लाख रुपए का। तो फिल्में भी आप ऐसे ही बनाते हैं, कोशिश की आयुष शर्मा ने एक्शन वगैरह करने की, और लेकिन उनकी पर्सनैलिटी उनको शूट नहीं करती पहली बात, तो दूसरी स्टोरी में कोई विशेष दम नहीं है, फिर कोई आतंकवादियों को पीड़ित दिखाया जाता है यहाँ पे। ये भी एक बॉलीवुड का प्रेम आतंकवादियों के प्रति, कुछ काफ़ी कुछ मतलब बॉलीवुड का अपना एजेंडा जो दिखाते हैं, उसका भी परिणाम है कि फिल्म ज़्यादा चली नहीं बॉक्स ऑफिस पर। और वैसे भी दोस्तों आज की फिल्म में चल भी नहीं रही है, और ऐसी फिल्म अभी नहीं, आयुष शर्मा की कोई फैन फॉलोइंग भी नहीं है। कई क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यू दिए ऐसी बात नहीं, और कई ने रोस्टेड रिव्यू भी दिए, सबके अलग अलग पसंद होती है। लेकिन ये जो आतंकवादियों का प्रेम दिखाया जाता है, आतंकवादियों से प्रेम दिखाया जाता है फिल्मों में, ये थोड़ा सा गलत जरूर है। जिसको ज़्यादा लोग पसंद करे या कुछ करते हैं, कुछ इनके ऊपर एक आरोप भी लगाते हैं कि ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए। कई फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप होगी, बड़ी फ्लॉप होगी ऐसा लग रहा है। आज भी फिल्म को ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली है, 70-80 लाख से ज़्यादा कलेक्शन आज भी आता होने लग रहा है, मैक्सिमम 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं आएगा। 300 से 400 शो तक दिल्ली NCR में है, मुंबई में भी इतने शो है, तो ठीक ठाक शो है, लेकिन कुछ दम वाली बात लगी नहीं। वहीं दोस्तों बात करें अपन रजाकर की, तो रजाकर का करीब 38 लाख का कलेक्शन आया पहले दिन का हिंदी का, और वैसे अगर फिल्म बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, लेकिन ज़्यादा स्क्रीन फिल्म के पास नहीं है, ज़्यादा शोज भी फिल्म के पास नहीं है। देखते हैं फिल्म किस प्रकार का परफॉर्म करती है आगे, वर्ड ऑफ माउथ कितना काम करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलना।